है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 3 है। रात को लीन को फिर से नाइटमेयर आता है। उसे हमेशा ड्रीम में सेम ड्यूमन दिखाई देता है। उसे लगता है वो ड्यूमन कुई की तरह दिख रहा है। वह जब उसका नींद टूट जाता है, उसे कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। वो मैसेज में कुई को बोलता है, सॉरी मैं कल रात ड्रंक हो गया था। कुई रिप्लाई देता है, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा तो हम लोग फन करेंगे। लीन एक शॉप में एंटर करता है। कोइंसिडेंटली वहाँ पे उसका मुलाकात कुई से हो जाता है। वो उसे कल रात के लिए अगेन माफी मांगता है। वो कुई के हाथ में आइसक्रीम देख के पूछता है, तुमने ये कहाँ से खरीदा? उसे भी आइसक्रीम खाने का मन होता है, इसीलिए वो अपने लिए भी एक आइसक्रीम खरीदता है। दोनों एक बेंच में साथ में आइसक्रीम खाते हैं। लीन को आइसक्रीम खाता हुआ देख कुई उसे बोलता है, तुम बच्चे की तरह लग रहे हो जिसने कभी आइसक्रीम नहीं खाया है। लिन बोलता है, मैं ज्यादातर आइसक्रीम नहीं खाता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने उसे कोल्ड खाना मना किया है, इसीलिए उसकी मॉम साल में एक बार उसे खाने के लिए देती है। कुई पूछता है, क्या तुम्हारा इलनेस इतना सीरियस है? लिन बोलता है, अब मैं बहुत ज्यादा रिकवर हो चुका हूँ, मैं अब हेल्दी हूँ। ये सुन के कुई को याद आता है, कल रात उसने रोते हुए बोला था कि मॉम मुझे स्कूल जाने दो। कुई उसे इसके बारे में पूछने ही वाला था, देन सडनली वो कप करने लगता है। दोनों का आइसक्रीम नीचे गिर जाता है और उनका पोजीशन कुछ ऐसे हो जाता है। उनका पोजीशन ऐसे चेंज कैसे हो गया, ऑथर ने मांगा में डिस्क्राइब नहीं किया है। ये पोजीशन बस हो गया। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। कुई को करीब से देख के लीन को लगता है वो उसका ड्रीम पर्सन की तरह लग रहा है, पर लीन श्योर नहीं है क्योंकि उसे ड्रीम पर्सन का फेस क्लियरली याद नहीं है। दोनों फिर से आइसक्रीम खरीदने जाते हैं। लीन सोचता है कुई और वो पर्सन सिमिलर तो दिखते हैं, पर दोनों का कैरेक्टर अलग है। ड्रीम में जो ड्यूमन है वो हमेशा लीन को हर्ट करता है, पर कुई उसे हमेशा नाइसली ट्रीट करता है। कुई उसे आइसक्रीम देता है और उसे पूछता है, आज वीकेंड है, क्या तुम्हारा कुछ प्लान है? लीन का कोई प्लान नहीं था, इसीलिए कुई उसे मूवी चलने के लिए बोलता है। कुई उसे एक बोरिंग मूवी दिखाने ले जाता है ताकि वहाँ पे ज्यादा लोग ना रहे। वो इजीली वहाँ पे मैजिक यूज कर सकता है। वहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी लो है, इसीलिए लीन उसका मैजिक को देख नहीं पाएगा। वो अपना मैजिक यूज करता है लीन को हिप्नोसिस करने के लिए, पर एक घंटा गुजर जाता है, लीन हिप्नोसिस नहीं होता है। मूवी सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसीलिए कुई को नींद आने लगता है। लीन उसे अपने सोल्जर पे सुला देता है। कुई समझ नहीं पाता है ये सब क्या चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में उसे ऑकवर्ड लगता है। वो समझ नहीं पाता है क्या उसे सोने का नाटक करना चाहिए या फिर जागना चाहिए। वो डिसाइड करता है कुछ देर सोने का नाटक करने के लिए। जब वो जाग जाएगा वो उसे थैंक यू बोल देगा, ऐसे में उसे भी वियर्ड नहीं लगेगा।
थिएटर में एक पर्सन उन दोनों को देख रहा है। इस पर्सन के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। मूवी खत्म होने के बाद दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं। लिन सडनली पीछे पलट के उसके हेयर से ठीक करने लगता है क्योंकि उसके हेयर से मेसी हो गए थे। तभी वहाँ पे उन दोनों का मुलाकात क्लासमेट से हो जाता है। वो लोग लिन को कल रात के बारे में बताते हैं। वो दो लड़कियां लिन को बोलती है, सब कोई तुम्हारे बारे में बातचीत कर रहे हैं। तुम शायद कॉलेज ग्रुप चैट में नहीं हो। लिन को लगता है क्लासमेट के सामने उसका इम्प्रेशन खराब हो गया है। कोई उसे समझाते हुए बोलता है सब कुछ ठीक है, ड्रंक होना कॉमन बात है, उन लोगों को नहीं लगेगा कि तुम वियर्ड हो। रास्ते में कुई का मुलाकात बहुत सारे जान पहचान से होता है। लिन को जेलस फील होता है क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो कुई को बोलता है तुम्हारे बहुत सारे जान पहचान हैं। कुई बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम यहाँ पे ज्यादा समय से नहीं हो, फ्यूचर में तुम्हारे भी बहुत जान पहचान बन जाएंगे। कोई उसे पूछता है मुझे फील हुआ है कि तुम लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते हो, क्या तुम्हें कम्युनिकेशन करना नहीं आता है। लिन हाँ बोलता है क्योंकि वो ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल और घर में ही गुजारता है, इसीलिए उसे नहीं पता है कि क्लासमेट के साथ कैसे बातचीत किया जाए। कोई उसे बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे अच्छे से बातचीत कर रहे हो। लिन ब्लश करते हुए बोलता है तुम मेरे पहले दोस्त हो। पर कोई उसे अपना दोस्त नहीं समझता है। वो अपने फायदे के लिए लिन को अपना दोस्त बना के रखा है। कोई उसे बोलता है मैं तुम्हें फ्रेंड्स बनाने का टिप्स दूंगा। लीन इसके लिए मान जाता है। कुई उसके साथ क्लोज रहना चाहता है, इसीलिए उसने ये आइडिया दिया। अगर वो उसके क्लोज रहेगा तो उसे चांस मिल सकता है उसका ड्रीम कंज्यूम करने का। कुई का माइंड से देखा जाए तो ड्रीम ड्यूमन और ह्यूमन के बीच का रिलेशन एक प्रेडेटर और प्रे की तरह है, इसीलिए एक ह्यूमन और ड्रीम ड्यूमन कभी दोस्त नहीं बन सकते। कुई उसे दोस्त बनाने का तीन ट्रिक बताता है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर हर ग्रुप को एक असाइनमेंट देते हैं करने के लिए। टीचर उन्हें 20 मिनट का टाइम देते हैं लिस्ट से नाम देख के ग्रुप मेंबर ढूंढने के लिए। लिस्ट में लिन का नाम नहीं है क्योंकि उसने लेट एडमिशन किया है, इसीलिए कोई टीचर को बोल के लिन को अपना ग्रुप में शामिल कर देता है। दोनों अपना ग्रुप मेंबर के पास जाते है। कोई उन लोगों से अच्छे से बातचीत करता है। लिन को थोड़ा नर्वस लग रहा है। दोस्त बनाने के लिए कोई ने उसे बहुत सारे रूल बताए थे। रूल नंबर 1 के हिसाब से जब भी वो किसी से मीट करेगा उसे स्माइल करना होगा, इससे गुड इम्प्रेशन बनता है। लिन स्माइल करते हुए उन सब लोगों को हाय बोलता है, पर उसका स्माइली एक्सप्रेशन देख के सब लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद स्टूडेंट बोलने लगते हैं ग्रुप में कौन क्या करेगा। रूल नंबर 2 के हिसाब से लिन को फ्रेंड्स बनाने के लिए सबका अटेंशन ड्रॉ करना होगा बातचीत करके। कोई उसे पोक करके इशारा में बोलता है तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए। लिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होके बोलता है मैं भी लोगों का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। कोई उसे बोलता है तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा एग्रेसिव है। माहौल को फ्रेंडली बनाने के लिए कोई उन सब लोगों को बोलता है लिन एक्चुअली में नर्वस है इतने सारे लोगों को देख के। वो बात करने में अच्छा नहीं है, इसीलिए प्लीज उसका केयर करना। लिन सबको अपना बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। कुई की हेल्प की वजह से लीन उन सब लोगों से फिर से अच्छे से कम्युनिकेट करने लगता है। उसे याद आता है कुई का रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 ये था कि कोई उसके साथ हमेशा रहेगा, इसीलिए उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कोई को देख के सोचता है वो सच में अमेजिंग है। रात को लीन के घर में उसकी कजन सिस्टर आती है। उसकी सिस्टर का नाम है इंग। इंग नेक्स्ट डोर में ही रहती है। वो लीन के लिए फ्रूट्स लेके आई है। वो लीन को बोलती है अपना पेरेंट्स को स्कूल का हालचाल के बारे में बातचीत करने के लिए, क्योंकि लीन की मॉम इंग को हमेशा लीन का हालचाल के बारे में पूछती रहती है। इंग नोटिस करती है एक एम्यूलेट लीन का डेस्क में रखा हुआ है। उन दोनों का कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि लीन एक साल से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था, पर उसका तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था। इसीलिए लीन और उसकी मॉम एक माउंटेन्स पे गए थे ब्लेसिंग्स पाने के लिए। वहाँ से लीन को ये एमुलेट मिला, साथ ही एक्सोर्सिज्म टैलिस्मैन। लीन ने टैलिस्मैन को वॉल में हैंग करके रखा है। माउंटेन से आने के बाद से ही लीन का तबीयत में सुधार आया है। इंग को बिलीव होने लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग से लीन ठीक हो गया है। इधर छत पे हम कुई को देखते हैं। उसे अंकल का कॉल आता है। वो अंकल को पूछता है अगर हिप्नोसिस ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट ना करे तो इसका क्या रीजन हो सकता है। अंकल उसे 3 रीजंस बताते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि इनहेरिटी की वजह से वो हिप्नोसिस से रेजिस्टेंस है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि वो ह्यूमन नहीं है, पर कोई श्योर है कि वो ह्यूमन ही है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि वो हमेशा प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन कैरी करता होगा। कोई उन्हें पूछता है प्रोटेक्टिव और एक्सोर्सिज्म टैलिस्मैन के बीच में डिफरेंस क्या है। अंकल बोलते हैं एक्सोर्सिज्म टैलिस्मैन घर के अंदर लगाया जाता है, इसकी वजह से कुछ रेंज के अंदर ड्यूमन के पावर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसीलिए उस दिन कोई जब लीन का अपार्टमेंट गया था वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पाया था। प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन एक पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकता है। इस टैलिस्मैन को इजीली कैरी किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन कुछ हद तक उस पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वो पर्सन इस प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन से दूर हो जाए तो ह्यूमंस उस पे अटैक कर सकते हैं। कुई को अपने सवालों का आंसर मिल जाता है। अंकल जब उसे पूछते हैं, तुम बहुत दिनों से घर नहीं आए, क्या तुम आना चाहते हो? कुई उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो कॉल कट कर देता है। कुई ने कभी नहीं देखा है लीन को प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन कैरी करते हुए। कुई को नहीं लगता इनहेरिटी की वजह से वो उसके पावर को रेजिस्ट कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो उसके घर में टैलिस्मैन नहीं होता। अभी कुई का प्लान है कि वो लीन से उस प्रोटेक्टिव चार्म को दूर रखेगा ताकि वो उसका ड्रीम कंज्यूम कर सके। इस डे स्कूल में असाइनमेंट के लिए कुई कुछ लोगों को इंटरव्यू करता है। सू और लीन साथ में दूसरी जगह जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए। चलने के दौरान सू का बैग एक ब्रांच में अटक जाता है जिससे उसका टेडी बियर फट जाता है। लीन उसे बोलता है मेरे पास सुई और धागा है, मैं इसे स्टिच कर दूंगा। लीन तुरंत टेडी बियर को स्टिच कर देता है। तभी कुई आके पूछता है क्या हुआ। सू बोलती है लीन ने मेरा मदद किया स्टिचिंग करने में। कुई लीन को बोलता है तुम सुई और धागा कैरी करके घूम रहे हो, मुझे अब क्यूरियस लग रहा है तुमने अपने बैग पैक में क्या क्या रखा है। लीन उसे अपना बैग खोल के दिखाता है। कुई को वहाँ पे प्रोटेक्टिव एम्बुलेट दिखता है। वो लीन को पूछता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ। लीन उसे एम्बुलेट दिखाता है।
कोई जब एम्यूलेट टच करने ही वाला था, उसे इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। कोई लीन को बोलता है, इसमें से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये सुनके लीन हैरान हो जाता है। देखा जाए तो कोई उसका एमुलेट टच नहीं कर सकता। अभी उसे उसका बैकपैक को दूर करना पड़ेगा। असाइनमेंट के लिए डाटा कलेक्ट करते करते शाम हो जाता है। कुई का कुछ प्लानिंग नहीं है शाम का, इसीलिए कुई उसे स्ट्रीट में खाने के लिए बुलाता है। लीन स्ट्रीट फूड पार्सल लेता है। कुई उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है, मैं उसे कैसे लेट नाइट तक रख सकता हूँ। लीन सोचता है कुई को भी शायद खाने का मन कर रहा है, इसीलिए वो उसकी तरफ स्टेर कर रहा है। वो कुई को पूछता है, क्या तुम खाना चाहते हो? कुई को लगता है वो उसे फीड कर रहा है, इसीलिए वो उसके हाथों से खाता है। खाने के बाद कुई उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है। के जाने के बाद लीन का टक्कर एक पर्सन से हो जाता है। उस पर्सन का शर्ट गंदा हो जाता है। वो पर्सन बोलता है, क्या तुम सामने देख नहीं सकते? लीन उसे बोलता है, मैं इसे धोने के लिए पैसे दे दूंगा। तभी कुई वहाँ पे आके बोलता है, अंकल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोल के कुई उस अंकल को पैसे दे देता है और लीन को वहाँ से ले के जाने लगता है। वो पर्सन पीछे से उन पे अटैक करता है। कुई उन सब अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो लीन को बोलता है, तुम कभी इंटरनेट कैफे नहीं गए हो ना? चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं गेम खेलने के लिए। लीन ओके बोलता है। कुई मन में सोचता है, मैं कुछ देर के लिए चला क्या गया? दूसरे ड्रीम ड्यूमर लीन पे हमला करने लगे। ये पर्सन और कोई नहीं था, बल्कि वही पर्सन था जो थिएटर में उन दोनों को देख रहा था। कुई के साथ लीन इंटरनेट कैफे जा रहा है। लीन उसे पूछता है, तुमने अंकल को कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें पे कर दूंगा। पर कुई बोलता है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। भी लीन को कॉल आता है सिस्टर इंग का। इंग उसे तुरंत घर आने के लिए बोलती है, कुछ अर्जेंट काम के लिए। इसीलिए लीन को वापस घर जाना पड़ता है। कुई का प्लान था इंटरनेट कैफे में लेट नाइट तक रहने का, पर उसका प्लान फिर से फेल हो गया। वो देखता है कि लीन का पीछे और एक ड्रीम ड्यूमन पड़ गया है। ड्यूमन इस सिटी में नया है, इसीलिए वो कुई को नहीं पहचानता है। वो पर्सन कुई पे अटैक करता है। कुई उसे एक ही बार में जमीन में पटक देता है। कुई उसे थ्रेटन करते हुए बोलता है, इस यूनिवर्सिटी का आसपास का एरिया मेरा टेरिटरी है। अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो इस एरिया से दूर रहना। रात को कुई अपने लिए खाना बनाता है। वो खाने का पिक्चर उठा के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। उसे रियलाइज होता है सोशल मीडिया में उसके ज्यादातर फ्रेंड्स रिलेटिव है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि कुई ने उसके पोस्ट पे कमेंट किया है। उसका पोस्ट को लेके स्कूल में उसके दोस्त उससे बातचीत करने लगते हैं। लीन अपने दोस्तों को कल दोपहर में घर इनवाइट करता है लंच करने के लिए। रात को वो शॉप जाता है इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए। वो ऑनलाइन देख रहा है वो कल क्या बनाएगा। इधर हमें कुई को दिखाया जाता है। उसका मुलाकात कल वाला ड्यूमन से हो जाता है। आज वो ड्यूमन अकेला नहीं आया है, वो गैंग लेके आया है।
कोई अपना मैजिक यूज करके उन लोगों को जमीन में पटक देता है, साथ ही वो गैंग लीडर को बहुत मारता है। तभी पीछे से लीन उसे पुकारता है। उसे यहाँ पे देख के कोई शोक में पड़ जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।